यार दोस्तों, आप लोगों ने इतनी अहम जानकारी लेकर के आता हूँ मैं हर बार सक्षम की, फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं करवाते। चलो जो भी है, लाइक या बाढ़ में आप सबसे पहले तो अपनी जो न्यूज़ है, नॉलेज एक बार सक्षम की वह ले लीजिए। यू आर रिल्यूड, आपको रिल्यू कर दिया गया है। किससे? फ्रॉम करंट ऑनररी असाइनमेंट, वरना होता था फ्रॉम करंट असाइनमेंट, ठीक है। यू आर रिल्यू फ्रॉम द करंट असाइनमेंट, मतलब आपकी आईडी पे आता था, लेकिन ये करंट ऑनररी असाइनमेंट है, आपके पैसे वाला असाइनमेंट है ये। फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग, जिसका आप लिख कंप्लीट कर दिए गए हैं 36 मंथ, कि भाई आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब आपको रिल्यू कर दिया गया है, अब आपको दोबारा से काम में नहीं लिया जाएगा। ये वो वाला रिल्यू है, न कि 1 फरवरी से 10 तक काम आ गया मैसेज, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपने रिल्यू ले लिया, वो वाला रिल्यू, क्यों मतलब फरवरी में रिल्यू ले लिया, मार्च में फिर काम का मैसेज आ जाएगा, वो अलग रिल्यू है, ये अलग रिल्यू है। यू आर रिल्यू फ्रॉम द करंट ऑनररी असाइनमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 36 मंथ ऑफ वर्क, आपके वर्क के 36 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, सो स्टॉप वर्किंग, तो इसलिए काम को बंद कर दो। फ्रॉम करंट वर्क, जो आपका करंट वर्क कर रहे हो, अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, नो ऑनरेरियम विल बी पेड टू यू, विल बी नो ऑनरेरियम, आपको नहीं दिया जाएगा कुछ भी ऑनरेरियम, मतलब सीधा सीधा बोलूँ तो अपना रुपये को नहीं दिया जाऊँ भाई, बात यह है, नहीं तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे जो आप काम कर रहे हो, इसलिए आप सो स्टॉप वर्किंग फ्रॉम करंट वर्क, जो आप करंट वर्क कर रहे हो प्लीज़ मतलब बंद कर दीजिए, बस यही बात है। तो भाई 36 मंथ बहुत सारे लोगों के होने लग गए हैं धीरे धीरे, वही बात है, एक बार स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाते हैं तो धीरे धीरे आदमी रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, अब सक्षम से भी लोग रिटायरमेंट आते जा रहे हैं, हर रोज़ रिटायरमेंट आते जाएंगे और हर रोज़ नए फार्म भरते जाएंगे, ये वही वाली बात है, बूढ़े आदमी रिटायरमेंट होते जा रहे हैं और नए नए बच्चों के लिए वैकेंसियाँ निकाली जा रही हूँ, फार्म भर करके लग रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर 3 साल के बाद जो सक्षम कैंडिडेट को बूढ़ा बना करके रिटायरमेंट दे दी गई है, लेकिन रिटायरमेंट में उनको कुछ पैसा या TADA फलाना दिखा नहीं दिया गया, सिर्फ उनको सुक्का रिटायरमेंट दे दिया गया है। बैंड बाजे से उनका स्वागत कीजिए घर पे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके सक्षम योजना के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप सक्षम में एंट्री नहीं मार सकते, इनकी स्कीम और इनके रूल रेगुलेशन के अनुसार जिस तरीके से सक्षम योजना बोलती है कि आप सक्षम योजना में सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक काम कर सकते हो, वो आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप जाओ ऐश करो, कच्चे काटो, अपना कुछ बिजनेस करो, कुछ भी करो, अपने पैरों पर खड़ा हो, हमने आपको 3 साल रोजगार दे दिया है। अब वो वाला कैंडिडेट क्या करेगा जो 3 साल के बाद फिर से बेरोजगार हो गया, अब वो कहीं पे जाने लायक भी नहीं बचेगा, क्योंकि 3 साल एक जो बच्चा लगातार पढ़ाई के टच में रहता है, मान लो मैं हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा था 2 साल पहले 3 साल पहले, फिर मैंने बीच में सक्षम का फॉर्म भर दिया, मैंने सक्षम का काम किया लगातार 3 साल, मैं तो पढ़ाई तो बीच में टच ही हट गया यार। यार हर किसी को पता कि लगातार टच में रहने से ही पढ़ाई में कुछ आता जाता रहेगा, अगर पढ़ाई छोड़ दी, 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई में आते हैं यार, जो लगातार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे थोड़ी जाने देंगे ना भाई, तो आपको रिल्यू कर दिया गया भाई। ये थी लेटेस्ट अपडेट सक्षम योजना की, जो कि बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, अब डेली ऐसे मैसेज आते रहेंगे, और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैसेज आईडी पे नहीं आया, ये मैसेज टेक्स्ट मैसेज आया है फ़ोन पे, जैसे कि आपको वर्क का मैसेज मिलता है, इसलिए उस तरीके से ये आपके पास फ़ोन पे मैसेज आया कि ये लो भाई आपका काम तमाम हो चुका है, अब आप घर पर बैठ जाइए, काम करोगे तो हम रुपये नहीं देंगे, ठीक है, अदरवाइज विल नो विल पे टू यू, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।